इस सेशन में हम फ्लैश में मास्किंग की कुछ टेक्निक्स को देखने की कोशिश करेंगे। मास्किंग एक बहुत ही बेहतरीन फीचर है फ्लैश के अंदर, तो जस्ट लाइक मैं जब क्रिएट करूंगा तो आपको उससे काफी आइडिया होगा कि इसका क्या बेनिफिट है, और आपने अक्सर वेबसाइट्स पर भी इसको यूज होते हुए देखा होगा। मास्किंग के लिए मैं एक सिंपल लेयर सिलेक्ट करता हूँ जिस पर मैं अपना सिंपल नाम दे देता हूँ। लाइक मैं लेयर का नाम चेंज करके लिख देता हूँ नेम, और टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करके अपने पेज के सेंटर में आकर अपना नाम दे देता हूं इरफान वजीर अली, और कीबोर्ड से एरो का टूल सेलेक्ट करके इसे फाइनल कर लेता हूं। इसे हम F8 करके ग्राफिक में कन्वर्ट करने की नीड नहीं है, अगर आप कर भी देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद हम एक और लेयर सेलेक्ट करते हैं जो कि एग्जैक्टली मास्क बनेगी, और ऐसा करने के लिए मैं इस लेयर पर सर्कल की तो मैं इस लेयर का नाम रख देता हूं सर्कल, और अपने टूल्स में से ओवल को सिलेक्ट करके अपने पेज पर किसी भी कलर से ओवल या सर्कल हम ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद वी का टूल सिलेक्ट करते हैं और अपने सर्कल पे डबल क्लिक करके कीबोर्ड पे F8 बटन प्रेस करते हुए इसे ग्राफिक में कन्वर्ट करेंगे और इसका नाम हम सर्कल रख लेते हैं। फ्रेम 30 पर आकर हमने दोनों फ्रेम्स को सिलेक्ट किया और कीबोर्ड से F6 बटन प्रेस किया। सर्कल का नेक्स्ट डेस्टिनेशन हम इसे बताते हैं कि सर्कल टेक्स्ट के ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाए। क्योंकि सर्कल को हमने मूव करना है, इसलिए सर्कल की लेयर पर राइट क्लिक करके इसे क्रिएट मोशन करेंगे, और अब मैं देखता हूं इंटर करके तो सर्कल हमारा एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर आसानी से मूव हो रहा है। कंट्रोल एंटर करके हम देख रहे हैं, ये काम तो पहले भी हम सीख चुके हैं, इसके अंदर कुछ खास नहीं है। अभी ये मास्किंग मास्क अभी हमने इसे दिया नहीं है, तो मास्क देने के लिए हम अपनी सर्कल की फ्रेम पर सर्कल की लेयर पर राइट क्लिक करेंगे और यहां पर हमारे पास ऑप्शन है मास्क। मास्क देने से हमारा सारा डाटा जो है वो गायब हो गया, हमारी लेयर जो है वो लॉक हो गई और अनवांटेड लेयर को कंप्यूटर ने ऑटोमेटिकली हाइड कर दिया। इसके बाद अब जब मैं कंट्रोल इंटर करूंगा तो आप देखें सर्कल जिस टैक्स के ऊपर से गुजर रहा है अल्टीमेटली सिर्फ वही टैक्स हमें नजर आ रहा है, रेस्ट ऑफ द टैक्स गायब हो गया। और पहले जब हम विदाउट मास्क अपने सर्कल को चला रहे थे तो सर्कल जहां से गुजर रहा था वो सर्कल भी हमें नजर आ रहा था, रेस्ट ऑफ द टैक्स भी नजर आ रहा था, लेकिन मास्क में कन्वर्ट करने के बाद सर्कल गायब हो गया और टैक्स गायब हो गया, और सर्कल जिस टैक्स के ऊपर से गुजर रहा है एग्जैक्टली वही टैक्स हमें नजर आ रहा है, रेस्ट ऑफ द टैक्स हमारा गायब हो गया। तो ये मास्किंग का एक जबरदस्त फायदा हमें यहां पर ये मिला। दूसरा, अब इसी मास्किंग को अगर मैं टैक्स के सॉरी इमेज के ऊपर अप्लाई करना चाहूं तो उसका तरीकाकार क्या होगा। हम एक न्यू पेज की क्रिएट कर लेते हैं, लाइक कंट्रोल एन न्यू डॉक्यूमेंट, और एंटर किया, यहां से एक न्यू डॉक्यूमेंट आ गया। पिक्चर को इंसर्ट करने के लिए हम जाते हैं फाइल के मेन्यू में, इंपोर्ट और इंपोर्ट टू स्टेज करते हैं, और यहां से मैं बेबी की एक इमेज जो मैंने पहले से अपने सिस्टम पे डाउनलोड की हुई है उसे ओपन कर लेता हूं। इसके बाद चूंकि ये फ्रेम ये पिक्चर इस वक्त टूटी हुई है तो मैंने इसे कीबोर्ड से F8 बटन प्रेस किया और इसे ग्राफिक में कन्वर्ट करके इसका नाम बेबी रख देता हूं, बेबी 1 रख देता हूं, और कीबोर्ड से क्यू ट्रांसफॉर्म का शॉर्टकट है क्यू बटन प्रेस करते हैं और इस पिक्चर की साइज को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। इसके बाद अब मैं ये चाहता हूं कि इसी तरह से एक सर्कल क्रिएट किया जाए। लेयर 1 पे हमारी बेबी की पिक्चर है, एक और लेयर सेलेक्ट करते हैं जिस पर हम सर्कल क्रिएट करेंगे, सर्कल हम सेलेक्ट करते हैं विथ एनी कलर, वीला टूल सेलेक्ट किया, डबल क्लिक F8, ग्राफिक में कन्वर्ट करेंगे और इसका नाम सर्कल 1 रख देते हैं। इसके बाद फ्रेम 25 पे जाकर F6 और सर्कल को नेक्स्ट डेस्टिनेशन बताते हैं कि भाई आपने यहां जाना है। सर्कल की लेयर पर राइट क्लिक और क्रिएट मोशन ट्विन, सर्कल इस वक्त टेक्स्ट सॉरी हमारी इमेज के ऊपर से सीधे सीधे गुजर रहा है, इसमें कोई मास्क नहीं है,
मास्क सेट करने के लिए हम सर्कल की लेयर पर राइट क्लिक करते हैं और यहां से मास्क पर क्लिक करते हैं। देन उसके बाद एंटर बटन प्रेस करते हैं और चेक करते हैं सर्कल जिस एरिया से गुजर रहा है वही एरिया हमें नजर आ रहा है, रेस्ट ऑफ द एरिया हमारा डिसेबल है। तो आप मास्क को टेक्स्ट के ऊपर और इमेज के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और दोनों के मेथड जो है वो एक ही हैं, लेकिन इमेज को जब हम कॉल करते हैं तो इमेज के साथ थोड़ा सा हमें कुछ पहले काम करना पड़ता है, वो टेक्निक्स मैंने आपके साथ यहाँ डिस्कस की है। आई होप कि आप उसको प्रैक्टिकल करके जरूर देखेंगे।